बीते कुछ महीनों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत उथल पुथल रही है। इस दौरान बिटकॉइन जैसे मजबूत क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में भी 50% तक की गिरावट देखी गई है। इसके बाद से एक्सपर्ट को चिंता सताने लगी है, क्या बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट की सरताज बनी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिसर्च में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और क्या भविष्य में बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट की सरताज बनी रहेगी या कोई और भविष्य में क्रिप्टो करेंसी नंबर वन पे हो सकती है। सारी जानकारी देंगे वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हाल के उतार चढ़ाव के दौरान बिटकॉइन की वैल्यू में $65,000 के ऑल टाइम हाई लेवल को छुआ, लेकिन ये डिजिटल करेंसी इस लेवल पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। इसकी वैल्यू ने लगभग 50% का गोता लगाया और $30,000 प्रति बिटकॉइन रह गई। कैनगेको का डाटा भी दिखाता है कि बिटकॉइन का मार्केट शेयर भी गिरा है। 2020 की शुरुआत में पहले क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन 70% क्रिप्टो मार्केट पर राज करता था, अब ये घटकर 42 पर आ गया है। अगर डॉलर के टर्म में देखें तो पूरे क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू में कुल बिटकॉइन की वैल्यू $1,600 अरब की रह गई है। बिटकॉइन की वैल्यू में गिरावट की दो बड़ी वजह हैं, इनमें से एक चीन का क्रिप्टो करेंसी को लेकर नियम करे करना और दूसरी वजह है टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क। बिटकॉइन को लेकर उनको बार बार अपना रुख बदलने से इस डिजिटल करेंसी की वैल्यू में काफ़ी चोट पहुंची है। अब जानते हैं कि कौन सी करेंसी है जो लगातार बिटकॉइन को चुनौती दे रही है। बिटकॉइन के बाद बाजार में एथेरियम को दूसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी माना जाता है। ये लगातार बिटकॉइन की नंबर एक की पदवी को चुनौती दे रही है। बीते एक साल में एथेरियम की वैल्यू 900% की ग्रोथ हुई है, जबकि बिटकॉइन मात्र 275% चढ़ा है। मार्केट शेयर के मामले में भी एथेरियम ने अपने आप को मजबूत किया है। इसने मई महीने में बिटकॉइन से $350 अरब का अंतर कम किया है। इस तरह इसकी हिस्सेदारी तो बड़ी है, हालांकि ये अभी भी बिटकॉइन से काफ़ी पीछे है। बिटकॉइन और एथेरियम की वैल्यू में गिरावट को अगर देखा जाए तो मई महीने में एथेरियम मात्र 11% गिरा है, जबकि बिटकॉइन की वैल्यू में 37% की गिरावट देखी गई है। अब जानते हैं एक्सपर्ट एथेरियम के मजबूत होने की क्या वजह मानते हैं। एथेरियम में निवेश करने वाले निवेशक और विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल करेंसी के लगातार मजबूत होने की दो बड़ी वजह है। पहला, ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस की लोकप्रियता बढ़ना। दूसरा, एथेरियम की टेक्नोलॉजी में होने जा रहा है एक बड़ा अपग्रेड जो इसके काम करने के तरीके को बदल देगा। डिजिटल करेंसी को माइन करने और मेंटेन करने में काफ़ी ऊर्जा की खपत होती है। एथेरियम और टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेड करने जा रहा है, इससे इसके चलाने के उपयोग करने वाली ऊर्जा 99.5% तक की बचत होगी, जबकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे का सामना करना पड़ सकता है। इससे भविष्य में संभावना है कि ज्यादा लोग एथेरियम में निवेश करेंगे। ये थी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।